हैं हमारे आज की टेक न्यूज को। तो सबसे पहले तो जो हमारी टेक न्यूज निकल कर आती है वो आती है स्टॉकर ऐप की तरफ से, मतलब कि फेसबुक। फेसबुक आप तो जानते ही हैं कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ओन करता है। तो इनमें से जो सबसे पॉपुलर ऐप है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम का अभी एक स्कैम बाहर आया है कि वो जो इंस्टाग्राम है तो वो कैमरास का यूज करके सारा का सारा जो यूजर्स का डेटा वो चोरी कर रहे हैं, ऐसा एक केस यूएस में फाइल हुआ है। हालांकि आगे भी ऐसी कई घटनाएं बन चुकी हैं और कितने केसेस अभी कोर्ट में जो है वो फाइल करके रखे हुए हैं, लेकिन वो साइड में पड़े हुए हैं, तो उनका कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो अभी बाहर आ रहा है कि वो बायोमेट्रिक से सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और फोटोज, वो सब इंफॉर्मेशन वो लोग चोरी कर रहे हैं और वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो उनके चली जा रही है दूसरे लोगों के पास। और इसमें उनको जब पूछने में आया कि इंस्टाग्राम पर ये हो क्या रहा है, तो उन्होंने सीधा सीधा ये जवाब दे दिया कि ये एक बग है, इसको हम फिक्स कर रहे हैं। मतलब बग यार, ये आपको बग लग रहा है, कोई आपके 25% जो डेटा है वो सारा यूज कर रहा है और आपको ये बग लग रहा है, लेकिन आपको फिक्स करने की जरूरत है इस चीज को। कि इस हाईटेक जमाने में जब 2020 में हम जी रहे हैं तब भी हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी ब्रांड के नाम पर ये लोग हमें कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फेसबुक ने जब से ओन किया है इंस्टाग्राम को, तब से उसकी सिक्योरिटी का यही हाल है। यार इंस्टाग्राम कुछ करो, नहीं तो फेसबुक से इंस्टाग्राम का पत्ता ही काट लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पहले बेटर था जबकि फेसबुक उसके साथ नहीं था। फेसबुक के आने के बाद इंस्टाग्राम पर तो मुजरा भी स्टार्ट हो गया है इंस्टाग्राम रील्स के रूप में। तो हमारी जो अगली खबर निकल कर आती है वो आती है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन 23 सितंबर को हमारे इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो सिंपली से ये इसकी जो डिजाइन है वो भी ऑनलाइन लीक हो चुकी है, किसी ट्विटर पर किसी ने ट्वीट करके हमें ये इमेजेस बता दी थी, जो कि कई हद तक रियलमी 7 जैसी दिख रही है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है पीछे से ये स्मार्टफोन, और इसका कलर भी कुछ हद तक ऐसा ही है। और इसकी प्राइस हम देखते हैं कि आगे क्या आती है, ये S20 लाइट के नाम से आता है या फिर S20 फैन एडिशन के नाम से आता है, देखते हैं कि आगे क्या होता है 23 सितंबर को। और हमारी जो अगली खबर निकल कर आती है वो आती है मोटोरोला की तरफ से। तो मोटोरोला की आज हमारे पास 3 खबर है, तो आज पहली बार ऐसा होगा कि मोटोरोला की इतनी सारी खबरें हैं। तो मोटोरोला की सबसे पहली जो खबर है वो है मोटो E7 प्लस को लेकर। तो मोटो का जो E7 प्लस है, जो कि अनाउंस किया था उन्होंने 3 पहले, तो ये जो फोन है वो अब 23 सितंबर को फाइनल हो गया है कि लॉन्च होने वाला है। और इसके फीचर्स तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ये एक अफोर्डेबल रेंज का स्मार्टफोन होने वाला है। और इसके अलावा मोटो कीव गोड नेम करके एक स्मार्टफोन अभी फिर रहा है ऑनलाइन ट्विटर पर, तो ये एक 5G फोन होने वाला है और अफोर्डेबल रेंज में होने वाला है, 10 से 17 हज़ार के आसपास। तो ये एक अच्छी बात होगी, मोटोरोला अभी बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन्स ला रहा है अच्छे फीचर्स के साथ, और कई स्मार्टफोन वो बजट के स्मार्टफोन्स में ही निकल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि बजट स्मार्टफोन अफोर्डेबल रेंज के 5G स्मार्टफोन मोटोरोला लेकर आने वाला है। और जो हमारी अगली खबर निकल कर आती है वो ही मोटोरोला की ही है, क्योंकि मोटोरोला ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है फ्लिपकार्ट के साथ। वो लोग मिलकर होम अप्लायंसेस वो सेल करना स्टार्ट करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पर। तो जैसे कि पहले उन्होंने टीवी और स्पीकर्स और उनके कुछ जो हेडफोन्स होते हैं तो वो उन्होंने लॉन्च किए थे, तो अब वो होम अप्लायंसेस में भी पार्ट लेने वाला है। तो उसमें वो लोग ओवन, रेफ्रिजरेटर फ्लिपकार्ट के साथ डीलरशिप करके वो लोग मेंबरशिप करेंगे और फिर दोनों मिलकर हमारे पास प्रोडक्ट लेकर आएंगे। तो वॉशिंग मशीन हो सकती है इनमें, रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं, ओवन भी हो सकते हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो सकते हैं, होम अप्लायंसेस। तो देखते हैं कि आगे क्या इंटरेस्टिंग सा होता है। मुझे लगता है कि ये भी अफोर्डेबल रेंज के ही होंगे, इनमें आपको अच्छी प्राइस में अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, मैं तो इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ,
कब मोटोरोला के अप्लायंसेस आते हैं, तो हमें अच्छी प्राइस रेट पर एलजी और गोदरेज ये सारी प्रोडक्ट हमें जो बहुत ही महंगी ये प्राइजेस पर प्रोवाइड करते हैं फीचर्स, तो वही फीचर्स अगर वो लोग अफोर्डेबल में लेकर आते हैं तो ये एक अच्छी बात होगी हमारे लिए। और जो हमारी अगली खबर निकल कर आती है वो आती है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी ने अपना रियलमी UI 2 लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। जो नार्जो 20 का जो इवेंट होने वाला है तो उसमें ही वो लोग रियलमी UI 2 को 23 सितंबर को जो इवेंट होने वाला है तो उसमें ही वो लोग उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो उसके बाद जो है वो रियलमी के सारे स्मार्टफोन्स में ये अपडेट चला जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि रियलमी नार्जो 20 में तो पहले से ही रियलमी UI 2 आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी कई सारे यूट्यूबर्स के पास ये फोन चला गया है नार्जो 20 प्रो, तो इसमें कहीं भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि हमें इसमें एंड्रॉयड 10 के साथ रियलमी UI 2 देखने को मिला था या एंड्रॉयड 11 देखने को मिला था। तो ऐसा कोई भी वहाँ पर फीचर नहीं था, उसमें नॉर्मल से एंड्रॉयड 10 ही था और रियलमी UI पर ही वो स्मार्टफोन वर्क कर रहा था। तो आपको धीरे धीरे जब ये इंट्रोड्यूस होगा, सिर्फ इंट्रोड्यूस ही करवाने वाले हैं और फिर वो लोग ग्लोबली इसको ले जाएंगे अपडेट के साथ सारे रियलमी के स्मार्टफोन्स में। और जो रियलमी नार्जो 20 प्रो है तो ये जब लॉन्च ही होने वाला है तो इसकी प्राइस भी बाहर लीक हो चुकी है गलती से, हालांकि कंपनी की तरफ से थोड़ा फॉल्ट हो गया था तो इसकी वजह से इसकी प्राइस बाहर आ गई है। तो इसकी प्राइस 17,000 तक मानी जा रही है, तो ये एक एक्सपेक्टेबल प्राइस है, क्योंकि ये अच्छी प्राइस है एक हद तक माने तो, क्योंकि इसमें हमें Helio G95 देखने को मिलता है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है और 65 वॉट का चार्जर भी देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है कि 65 वॉट का चार्जर आपको 17,000 के स्मार्टफोन में मिल जाता है। ये कुछ हद तक अच्छा है कि आधे घंटे में आपका स्मार्टफोन चार्ज हो जाता है, लेकिन यार ये जो फीचर है या फिर माने तो ये जो स्मार्टफोन है वो रियलमी को पहले लाना चाहिए था। हालांकि कई सारे उन्होंने हमारे सामने कंफ्यूजन करके रख दिया है, क्योंकि इसी बजट में कई सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स भी हैं जो कि रियलमी ओन करता है और रियलमी के ही है वो स्मार्टफोन्स उसकी कंपेटिबिलिटी में, हालांकि इसमें हमें 65 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि मार्केट में आने के बाद ये स्मार्टफोन क्या कमाल दिखाता है। और जो हमारी अगली खबर निकल कर आती है वो आती है पेटीएम की तरफ से। यार मुझे तो पता ही था कि ये होने ही वाला है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, ये अपनी हरकतों से बाजी नहीं आता। हालांकि IPL का माहौल है, मैं मान सकता हूँ कि सट्टाबाजी ये सब हो रहा है। जो पेटीएम है तो उसके अभी दिन भर 7 मिलियन यूजर्स होते हैं रोज के उसको यूज करने वाले, कि जो हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स है उनके हमारे इंडिया में से, तो पेटीएम है उसको भी चाइनीज कंपनीज कई ओन करती है। लेकिन इसमें क्या है कि पेटीएम है इसको आज प्ले स्टोर ने प्ले स्टोर पर से गूगल प्ले स्टोर पर से हटा दिया है। अगर आप सर्च करके देखोगे तो वहाँ पर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक शॉकिंग खबर आई है कि प्ले स्टोर ने उसको डिलीट कर दिया। तो इसकी वजह ये है क्योंकि पेटीएम जो है वो कसिनो और सट्टेबाजी और फिर सट्टा ये सब जो बैटिंग है गेमलिंग है इन सब को सपोर्ट कर रहा था, ये सब पेटीएम पर चल रहा था, तो इसकी वजह से ये सब सेवाएं वो लोग दे रहे थे। तो इसकी वजह से गूगल ने उनकी जो नई पॉलिसी है तो उसके तहत उन्होंने पेटीएम को प्ले स्टोर पर से डिलीट कर दिया। तो फैंटेसी प्ले के नाम से भी ये लोग वैसा कुछ चला रहे थे, गैम्बलिंग का जो था वो ऐप था एक, ये भी वो लोग चला रहे थे। तो ये यार गलत बात है कि यार, क्योंकि हमारा जो देश है इसको आपको आर्थिक तरह से मदद करनी है, हालांकि इस टाइम पर ऐसी एप्स की कई ज़्यादा ज़रूरत है। तो हालांकि मैं तो अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ पेटीएम, मैं पहले यूज़ करता था लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दिया, ये सारा लफड़ा होने लगा फिर इसलिए। तो उसकी जगह पर आप उसका अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, SBI की जो ऐप है फोन पे या फिर गूगल पे। नॉर्मली मैं गूगल पे यूज़ करता हूँ और कई बार फ़ोन पे भी यूज़ कर लेता हूँ, तो आपको इन्हीं ऐप्स को प्रिफर करना चाहिए। अभी पेटीएम का यूज़ आप रिड्यूस कर सकते हैं और इससे बायकॉट भी कर सकते हैं आप इस ऐप को। हालांकि अगर आप ये ऐप आप अभी यूज़ कर रहे हैं तो इसको आपको डिलीट कर देना चाहिए या फिर अकाउंट को डिलीट कर दीजिए। और जो हमारी अगली खबर निकल कर आती है वो आती है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल ने अपने ऑनलाइन एक्सक्लूसिव स्टोर्स लॉन्च करने का निर्णय कर लिया है।
वो लोग 23 सितंबर को ऑनलाइन रिलीज करने वाले हैं, तो इससे क्या होगा कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स आप अभी नॉर्मली कहाँ पर लेने चाहते हो उसके जो ओन किए हुए भी जो होते नहीं है स्टोर, आपको नॉर्मल से अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर से मंगाना पड़ता है ऑनलाइन। तो अब क्या होगा कि एप्पल की खुद का ओन स्टोर होगा एक्सक्लूसिव ऑनलाइन, तो उस पर आप अगर जाएंगे तो आपको अच्छे से डिस्काउंट भी मिलेगा और एप्पल की जो कस्टमर सर्विस होती है तो उसका भी आप पूरा का पूरा फायदा उठा सकेंगे। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो लोग इस जो वेबसाइट है तो इस पर उनकी साइट पर वो लोग आपको एक्सक्लूसिव ऑनलाइन स्टोर पर वो लोग स्टूडेंट्स को भी अच्छे से अच्छा खासा डिस्काउंट देने वाले हैं, तो आप चेक इट आउट कर सकते हैं। अगर आपको एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसको अपनी तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हैं ऑर्डर को, और आपको फास्ट डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। और जो हमारी अगली खबर निकल कर आती है वो आती है फौजी की तरफ से। तो फौजी और गोकी ये दोनों जो ऐप है ये इंडियन ऐप है। तो फौजी जो है जो गेम है वो अक्टूबर के मंथ में हालांकि उसके एंड तक आने वाला है, और गोकी जो है वो इंडिया का फिटनेस ऐप है। तो जो दोनों ऐप है वो इंडिया का है, इंडिया के हैं। तो हालांकि सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे झूठे रिपोर्ट्स फिर रहे हैं कि ये पहले सुशांत सिंह राजपूत का आइडिया था, तो इसको लेकर कई लोगों ने हमारे इंडिया में केस फाइल किए हैं कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अभी केस गया था कि ये सुशांत सिंह राजपूत का ये सारा आइडिया था कि फौजी और गोकी ऐप को हम डेवलप करें हमारे इंडिया में, तो इंडिया ये सारा आइडिया सुशांत सिंह राजपूत का था, तो ऐसा सब कुछ केस फाइल हुआ था। लेकिन ये सब झूठ बातें हैं, इन सब में उनका इन्वॉल्वमेंट था ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिला है, और ऐसा जो आइडिया है वो उनका एक्सक्लूसिव है, तो ऐसा उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया है फौजी और गोकी ऐप दोनों ने ऐसा कोर्ट में केस फाइल किया कि ऐसा कोई नाता नहीं था सुशांत सिंह राजपूत के साथ इन आइडियाज का। और जो हमारी अगली खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल की तरफ से। तो आईपीएल हालांकि 2020 जो है वो दुबई में होने वाला है, हमारे इंडिया में इस बार नहीं होने वाला है, लेकिन इसका एक स्कैम निकल कर आया है। हालांकि जो जियो और एयरटेल है तो ये दोनों कंपनीज अपनी तरफ से नए प्लान्स बाहर ला रही है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार की साथ में वो लोग मेंबरशिप दे रहे हैं, तो इसकी वजह से लोग आईपीएल घर पर बैठकर एंजॉय कर सके, तो इसके लिए ये लोग दे रहे हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट पर एक बड़ा सा स्कैम हो गया है कि जो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जो मेंबरशिप एक साल की 450 रुपये में मिलती है, 499 जिसकी प्राइस है, तो वही जो प्लान है वो लोग 99 में दे रहे थे, ऐसा कुछ था वहाँ पे। तो कई सारे लोग पहले तो जिन्होंने देखा वो लोग सारे टूट पड़े उस पर। तो ऐसा होने के बाद क्या हुआ कि पीछे से सबको पता चला कि ये तो यार एक स्कैम था, कंपनी वालों की गलती थी या फिर स्कैम था। तो जो कंपनी है तो उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि ये तो स्कैम है यार। तो उन्होंने ये कहा है कि फ्लिपकार्ट पर जिनका भी पैसा उसमें गया है तो वो लोग सब रिकवर कर देंगे और सबको उनका पैसा वापस कर देंगे, और ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये या स्कैम था या फिर आपने जानबूझ कर किया है ये मुझे पता नहीं चल रहा है। तो बस आज की न्यूज़ में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, ओके देन, बाय।